बिना से कटनी के लिए मेमू ट्रेन मंगलवार से शुरू हुई। खुरई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही यात्रियों में खुशी देखने को मिली। कोरोना काल के चलते करीब 13 माह से बिना कटनी रेल मार्ग पर पैसेंजर ट्रेनों का संचालन पूरी तरीके से बंद था, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को मजबूरी में बसों का सहारा लेना पड़ रहा था, जिसके बाद मंगलवार को बिना से कटनी के बीच पहली मेमू ट्रेन चलाई गई, जिसमें सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर इस ट्रेन के स्टॉपेज है, जिसका लाभ लोगों को मिलने लगेगा। यह ट्रेन खुरई रेलवे स्टेशन पर सुबह 9:28 पर पहुंची, जिसमें पहले दिन करीब 25 यात्रियों ने टिकट लेकर यात्रा की है। इस ट्रेन के शुरू होने पर यात्रियों में खुशी का माहौल देखा गया। सबसे पहले तो यह है कि जो मार्जिनलाइज वर्कर थे उनके लिए सबसे अच्छा हुआ है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो उनको डेली का अप डाउन रहता है, सुबह से शाम का डेली का वर्क रहता है, उनके लिए सबसे मतलब खुशी की बात यह है कि मतलब 13 महीने के आफ्टर लॉकडाउन स्टार्ट हुई है ट्रेन। मतलब टिकट का तो ऐसा है कि टिकट थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो कोई प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस नहीं है, बट ये है कि मतलब जो डेली का जो रोजमर्रा के मतलब मार्जिनलाइज्ड वर्कर थे उनके लिए मतलब जो उनका डेली कमाना खाना था उनके लिए सागर जाना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था, तो उनके लिए तो मतलब ये रहा तो बहुत खुशी, इट्स प्लेजर टू अस सर। अच्छा लग रहा है ये मेमू ट्रेन जो चालू हुई है, अत्याधुनिक कोचों से लैस गाड़ी, पहली ये रेल सुविधा मिली है। हमारी भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में इससे हमारे माननीय सागर सांसद जी का भी योगदान रहा है और खुरई की जनता और खुरई में का बढ़ता रेलवे ट्रैफिक को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है और बहुत अच्छा लगा। यात्रियों को इससे लाभ मिलेगा और यात्रियों को बसों से जो परेशानी हो रही थी आवागमन में, उससे लोगों यात्रियों को और यहाँ के खुरई के नागरिकों को बहुत सहूलियत मिलेगी। रेलवे विभाग का ये बहुत अच्छा ने जो दिया खुरई के लिए दिया है, इसके लिए हम लोग खुरई के नागरिक, खुरई की यात्रीगण, रेल विभाग का आभार व्यक्त करते हैं। खुरई के बहारपुर गांव में एक किसान के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है। किसान ने शहर पुलिस थाने में घटना की लिखित शिकायत की है। बहारपुर निवासी विनोद कुमार राय के बैंक खाते के एटीएम से 3 बार 25,000 रुपए धोखाधड़ी कर निकाले गए हैं। मोबाइल पर रुपए निकालने का मैसेज आने पर किसान को घटना के बारे में पता चला, जिसके बाद पीड़ित किसान ने खुरई शहरी थाने में जाकर घटना की शिकायत की है। किसान विनोद राय ने बताया कि अब उनके बैंक खाते से रुपए निकाले गए हैं। उस समय वह अपने गाँव बुहारपुर में घर पर थे और एटीएम उनके पास ही था, जबकि रुपए एटीएम से 3 बार में निकाले गए हैं। पीड़ित किसान ने घटना की शिकायत साइबर क्राइम में भी की है। वहीं मामले में बैंक के मैनेजर का कहना है कि घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी है, जांच के बाद पता लगा पाएगा कि इस एटीएम से और कैसे रुपए निकाले गए हैं। फिलहाल पीड़ित किसान के आवेदन पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम तो गांव पे थे, हमने हमारे मोबाइल पर SMS आए तो हमने उनको देखा तो हमारे खाते में से 10,000 रुपये 2 बार निकले, 1 बार 5,000 रुपये निकल गए। फिर हम बैंक आए, बैंक में हमने कई सो बोले कि तुम ही नहीं निकाली, मगर हमने नहीं निकाली। वो बैंक वालों कह रहे कि कोतवाली जाओ रिपोर्ट करो, वहाँ गए तो वो कह रहे बैंक से कुछ रिपोर्ट ले आओ, इसलिए हम बैंक के चक्कर काट रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने में शिकायत की है, क्या कहना? थाने में हमने आज ही शिकायत की है, कल वो शिकायत कर ली है, अब वो आगे कार्रवाई करेंगे। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। खुरई शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के देवी मंदिरों में दर्शन के लिए भक्त पहुंचे। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। इस पर्व को शक्ति की उपासना के तौर पर भी देखा जाता है। होली के बाद चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है और इस दौरान माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र मंगलवार 13 अप्रैल को प्रारंभ हो चुका है। इस बार चैत्र नवरात्र पूरे 9 दिन का है, जहां नवरात्रि पर खुरई शहर के देवी मंदिरों में पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, तो वहीं कोरोना काल होने के चलते देवी मंदिरों में दर्शन के लिए कम संख्या में ही लोग पहुंच रहे हैं। वहीं श्रद्धालु COVID-19 की गाइडलाइन के तहत माँ की पूजा करने में लगे हुए हैं। खुरई के प्रसिद्ध महामंगला महालक्ष्मी मंदिर और किला परिसर स्थित देवी मंदिर में सुबह से ही भक्त जल चढ़ाने के लिए पहुँचने लगे।
जय माता दी। नवरात्रि पर्व पर माँ के नौ रूपों की अलग अलग प्रति स्वरूपों की पूजा होती है। उन स्वरूपों में माँ की आज प्रथम दिवस में शैलपुत्री माँ का आज पूजन होगा, जिनमें जिनके हाथ जिनकी सवारी नंदी है, जिनके हाथों में त्रिशूल और कमल है, वह प्रसन्नता आशीर्वाद देती है भक्तों के लिए। और आज कई जगह पर सभी जगह पर भगवान माता रानी का पूजन होगा। उसी पूजन के साथ आज जो माता रानी का पूजन होगा, माता रानी के लिए माताएं श्रद्धालुजन व्रत उपवास रखेंगी, पूजन अर्चन करेंगी। और आज के दिन जोत जलाई जाती है मंदिरों में, सभी वैदिक ब्राह्मण पूजन वगैरह करते हैं और पाठ पूजन होता है। और माता रानी की कृपा से सदैव भक्तों पर कृपा उनकी बनी रहती है। ऐसा माता रानी से यही हम सभी को आशीर्वाद मिलता है कि माता रानी हम सब पर हमेशा कृपा बनाए रखें।